आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ी खबर। मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्टेडियम का उद्घाटन किया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एक साथ 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैच देख सकते हैं स्टेडियम में। अहमदाबाद में साबरमती के पास बने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया, नरेंद्र मोदी रखा गया है स्टेडियम का नाम। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम को पछाड़ दिया है स्टेडियम ने। इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद अब सबसे बड़े स्टेडियम होने का गौरव भी देश ने प्राप्त कर लिया है। यहां भारत और इंग्लैंड के मध्य तीसरा टेस्ट मैच भी होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसी में इंग्लैंड और भारत के बीच मैच खेला जाना है। बड़ी जानकारी, स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न स्टेडियम है उससे भी बड़ा ये स्टेडियम। इससे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू हम कह सकते हैं, ये गौरव हमने प्राप्त किया। उसके बाद ये सबसे बड़ा स्टेडियम, ये कहा जा सकता है कि वाकई भारत अपने आप को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया में भारत का नाम एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने अपना गौरव और ज्यादा वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक बताया जा रहा था कि मोटेरा स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसका नाम मोटेरा स्टेडियम ही रखा जाएगा। फिर कयास लगाए जा रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर स्टेडियम का नाम रखा जा सकता है, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की।